गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम मानेसर ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम के सूरत नगर में बने वेयरहाउस से अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया सतीश उर्फ तिस्सा का सूरत नगर में अवैध शराब का गोदाम है, जहां से शराब की सप्लाई की जाती है। इसी सूचना के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने रेड की तो रेड के दौरान 520 पेटी अवैध शराब मौके से बरामद की गई, जिसमें अंग्रेजी शराब भी शामिल है, जिसके बाद मौके से गुरुग्राम पुलिस ने सतीश उर्फ तिस्सा के दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। हमें हमारी क्राइम टीम मानेसर को एक सूचना मिली थी, मुखबिर ने बताया था कि सूरत नगर फेज टू में एक सतीश उर्फ तिस्सा है, जिसका इलीगल शराब का गोदाम है, जहाँ पे ये रेड की गई और ड्यूरिंग रेड वहाँ पे 520 पेटी शराब इसकी बरामद हुई, जिन पे कोई लेबल नहीं लगे हुए हैं और वहाँ पे साइड में ही वो लेबल भी बरामद किए गए जो अलग अलग ब्रांड्स के हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मर्जी उस पे लेबल लगाओ और लगा के बेच दो, तो ये कई तरह के लेबल यूज़ करते थे। और ये तीसा जो सतीश और तीसा है, इसके दो आदमी हमें वहाँ से मिले हैं, प्रेम और अनिरुद्ध, वो यूपी के रहने वाले हैं और इसके लिए काम करते हैं, उनको हमने इसमें गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ भी हमने केस रजिस्टर किया है। जो इसका ओनर है सतीश और तीसा, जो पहले से भी शराब के काम में काफ़ी फेमस है ये इस तरह की एक्टिविटी में, और इसके खिलाफ हमने जो है ना 420, 67, 68, 71 की जो सेक्शंस हैं वो एक्साइज एक्ट के साथ लगाई हैं, क्योंकि ये इस तरह से इलीगली लेबलिंग का और इस तरह का काम में ये मसरूफ़ थे। तो हम इनके सब के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं और हमारी मंशा ये है कि ताकि इस तरह की अवैध शराब का धंधा गुड़गांव में ना हो पाए।